नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आज आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, इस चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और साथियों एक जानकारी देते हैं। साथियों, थर्ड पेपर का सिलेबस हमने पहले वीडियो में बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और सिलेबस में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या पूछा जाएगा। साथियों, यदि आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लें क्योंकि हम एग्जाम से पहले, कोई भी पेपर देने से पहले हम उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि हाँ हमें इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। आज इसमें साथियों तीसरा चैप्टर देखेंगे, भारतीय प्रशासन एमए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, लेटेस्ट सिलेबस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। साथियों, पहला चैप्टर कर लिया हमने, दूसरा कर लिया है, आज तीसरा करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटेरियल, आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। इसका हिंदी रूपांतरण है साथियों, केंद्रीय प्रशासन की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? केंद्रीय प्रशासन की संरचना, राजनीतिक, प्रशासनिक और सचिवालय, ये इसकी हिंदी है। क्या है? केंद्रीय प्रशासन की संरचना, राजनीतिक, प्रशासनिक और सचिवालय, हमें ये थर्ड चैप्टर में पढ़ना है, जो थर्ड पेपर का थर्ड चैप्टर है साथियों इसमें पढ़ना है। साथियों, इसमें जो अभी हमने बताया था कि केंद्रीय प्रशासन की संरचना, राजनीतिक, प्रशासनिक और सचिवालय, इसमें पढ़ना है। साथियों, इसका पेपर कोड है 470, इसका पेपर कोड 470 है और ये थर्ड चैप्टर है। और साथ ही एक जानकारी आपके लिए, यदि आप एमए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, एमए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही 2022 में भी इसी तरीके से हमने कोर्स कंप्लीट कराया था, हमने संपूर्ण पेपरों की संपूर्ण सिलेबस के साथ वीडियो अपलोड कर रखी है। और साथ ही एक जानकारी और, यदि आप एमए पॉलिटिकल साइंस का जो फाइनल रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है आप उसको देख लेते हैं तो आप एक उच्चतम स्कोर प्राप्त कर लोगे, आप उसको देख लो। और जो साथी 2023 में हम करा रहे हैं आप उसे देख लें तो आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर लोगे। चलिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि एमए पॉलिटिकल साइंस संबंधित और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले पहुँचाते हैं। और साथियों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी सूचना दें आपको उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, भारत का राष्ट्रपति, इसका आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्र का प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर दो, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर तीन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति में। भारत के जो संविधान है उसके अनुसार केंद्र की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर चार, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर पांच, राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए जो कार्यकाल होता है उसकी अवधि 5 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? यानी जो राष्ट्रपति के जो पद है उसके लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोई निश्चित सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर सात, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। क्या, कौन कौन होते हैं साथियों? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य इसमें सदस्य होते हैं। कब? राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में। क्वेश्चन नंबर आठ, भारत के राष्ट्रपति का भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति का भारतीय संविधान के अंतर्गत महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 61 में। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 10, क्या पदावधि के समाप्त होने के उपरांत भी राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पदासीन होने तक पद पर बना रह सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति पद के रिक्त होने की तिथि से कितने अवधि के भीतर रिक्ति किसी भी दशा में भरी जानी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह। 6 माह में भरी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं साथियों, वो ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि MA पॉलिटिकल साइंस की जितनी वीडियो साथियों आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। साथियों इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरा मानना है कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें, ताकि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए। और साथ ही एक जानकारी, यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर लेंगे। हमने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथियों चैनल का जो नाम है वो है एजुकेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विषय में क्या सत्य नहीं है? साथियों किसी क्वेश्चन नहीं दिख गया तो उसे अंडरलाइन कर लें। भारत के राष्ट्रपति के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वह जनता द्वारा पृथक रूप से चुना जाता है, यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन सी, 2/3 की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा पारित होने के पश्चात क्या राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होती है? इसका आंसर ऑप्शन बी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाएगा? तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन बी, महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकृत होने वाले दिन से तब से समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए संसद के किसी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है? इसका आंसर ऑप्शन डी, संसद का कोई भी सदन। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व हट सकता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों कोणों से, त्याग पत्र देकर संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। इनके द्वारा राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व हट सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन अपने पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? इसका आंसर ऑप्शन ई, ये सभी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री और राज्यपाल, ये अपने पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका 21 का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22,
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित अधिनियम कब बना है? इसका आंसर ऑप्शन ए 1974 में। 1974 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित अधिनियम बना था। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद एवं राज्य विधानमंडलों के मध्य बराबरी बनाए रखा गया है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करेगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया? इसका आंसर साथी ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 में। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1 माह है। 1 माह के भीतर राष्ट्रपति तथा आपातकाल की उद्घोषणा के जो संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है वो 1 माह होती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है ये सभी कौन कौन से? वित्तीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल, इनकी उद्घोषणा कर सकता है कौन? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन स्थितियों पर कर सकता है? कौन कौन सी? ये सभी, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और बाह्य आक्रमण। इन स्थितियों में बाह्य आक्रमण के लिए आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। कब? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? इसका आंसर ऑप्शन ए 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, आपातकाल के दौरान संसद निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकारों को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? इसका आंसर ऑप्शन ए जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल के दौरान संसद निम्नलिखित में से किस सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर विधान बना सकती है? इसका आंसर ऑप्शन डी ये सभी कौन कौन से? राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची। इनके अनुसार आपातकाल के दौरान संसद सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर विधान बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 350 के तहत। क्वेश्चन नंबर 33, वह आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार आपातकाल की घोषणा की? इसका आंसर साथी ऑप्शन सी 3 बार। क्वेश्चन नंबर 34, यदि लोकसभा में किसी भी दल के को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को, यानी विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों आपको जो लाइक करते हैं उसमें कुछ नहीं जाता, और साथ सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो जल्दी से और हम एक कुछ नया उपहार आपके लिए करने वाले हैं। जैसे ही हमारे 3000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे तो हम एक आपके लिए और तोहफा लेकर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के संग प्रशासन एवं व्यवस्थापन से संबंधित सभी प्रस्तावों की सूची राष्ट्रपति को दे? इसका आंसर ऑप्शन ए हाँ। हाँ, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के संग प्रशासन एवं व्यवस्थापन से संबंधित सभी प्रस्तावों की सूची राष्ट्रपति को दे। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस अनुच्छेद का यह प्रावधान है कि संघीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को
उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सलाह एवं सहायता देगा। इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 में यानी अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है क्या कि संघीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्ति को उपयोग में लाने के लिए सलाह एवं सहायता देगा। क्वेश्चन नंबर 37 राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो इसका आंसर ऑप्शन बी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को यानी जब लोकसभा में बहुमत ज्यादा होती है तो जो बहुमत दल का नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या केंद्र सरकार के सभी कार्यपालिका निर्णय एवं कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं इसका आंसर ऑप्शन ए हाँ। क्वेश्चन नंबर 39 संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं इसका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों क्या कौन कौन से साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शक्तिकालीन शक्तियां असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियां इसका आंसर ऑप्शन सी है ए व बी दोनों राइट आंसर है इसके। क्वेश्चन नंबर 40 मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 41 प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 42 कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है इसका आंसर है ऑप्शन ए संसद का सदस्य। संसद का सदस्य हो वह व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहती है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदासीन रहती है कौन मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 44 सामान्यतः प्रधानमंत्री इसका आंसर ऑप्शन बी लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है किसका लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता। क्वेश्चन नंबर 45 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है इसका आंसर है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथापि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद में। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किस स्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती इसका आंसर है ऑप्शन ए किसी मंत्री के त्याग पत्र से। किसी मंत्री के त्याग पत्र से मंत्री पद जो परिषद होती है साथियों विघटित नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 48 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 भारत के प्रधानमंत्री का पद इसका आंसर ऑप्शन ए संविधान द्वारा गठित है। क्वेश्चन नंबर 50 यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है इसका आंसर ऑप्शन ए हाँ। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में निम्नलिखित में क्या शामिल है इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए बजट तैयार कर संसद में पेश करना। बजट तैयार कर संसद में पेश करना। क्वेश्चन नंबर 51 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्नलिखित में से किसका विश्वास प्राप्त हो लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 53 सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है इसका आंसर है ऑप्शन सी
प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 54, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये साथियों सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 55, क्या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए, हाँ, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करेगा? इसका आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति को मंत्री पद से पदत्याग करने के लिए मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को पदत्याग संबोधित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, क्या राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने का अधिकार है? इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी नहीं, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन से? राष्ट्रीय नीति निर्धारण, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वयकारी कार्य। इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 59, सचिवों का कार्यालय है, तो इसका आंसर साथियों सचिवालय, सचिवालय सचिवों का कार्यालय है। क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रीय सचिवालय है कौन? केंद्र में, जो केंद्रीय सचिवालय है साथियों वो केंद्र में है। साथियों केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं तीन स्तरीय केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 62, मंत्रियों का प्रकार है, ये सभी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये आपके मंत्रियों के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सचिवालय का प्रमुख होता है, इसका आंसर ऑप्शन ए, सचिव सचिवालय का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 64, एक स्टाफ एजेंसी है, इसका आंसर ऑप्शन बी, सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 65, सचिव का कार्यकाल होता है, इसका आंसर ऑप्शन ए, पांच वर्ष सचिव का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 66, यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें। साथियों आप लाइक कर देख रहे हैं, आपका लाइक में क्वेश्चन नहीं जाता, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम एक आपको अच्छा कंटेंट और लेके आए। क्वेश्चन नंबर 66, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दें साथियों। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन डी, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्या सही नहीं है? वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए नियुक्त होता है, ए राइट आंसर, भारत का प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 69, केंद्रीय सचिवालय के बारे में क्या सही नहीं है? इसका आंसर चाहते हैं ऑप्शन डी, विधेयक पारित करना केंद्रीय सचिवालय के बारे में कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कैबिनेट सचिव के बारे में क्या सही नहीं है? इसका आंसर चाहते हैं ऑप्शन सी, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से कैबिनेट सचिव के बारे में क्या सही नहीं है? उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत सरकार अपने व्यय संबंधी लेखों का परीक्षण किससे कराती है? इसका आंसर साथ ही ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं
उससे भारत सरकार अपने व्यक्ति संबंधित लेखों का परीक्षण कराती है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री का जो चुनाव लड़ते हैं उसके लिए 25 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, संसदीय प्रशासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास। किसकी? संसदीय प्रशासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति वो प्रधानमंत्री के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 76, संसदीय शासन में वास्तविक प्रधान कौन होता है? इसका आंसर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संसदीय प्रशासन में वास्तविक प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 77, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये तीनों मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 80, केंद्रीय सचिवालय में कौन सा पद नहीं होता? इसका आंसर ऑप्शन डी उपमंत्री। उपमंत्री केंद्रीय सचिवालय में पद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 81, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से? पदच्युत द्वारा, नियुक्ति द्वारा और स्थानांतरण द्वारा, इन तीनों के द्वारा कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, साथियों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है? इसका आंसर हो साथियों ऑप्शन डी बजट। बजट भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है। साथियों ये थे हमारे आज के पेपर 3 के 82 क्वेश्चन। चैप्टर भी 3 है साथियों इसका, चैप्टर 3 और पेपर 3, इसके 82 क्वेश्चन कराए। इसमें से साथियों मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेते हो तो आप इस चैप्टर में से कम से कम 20 क्वेश्चन अकेले ही चैप्टर में से पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं साथियों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कराने वाले हैं आपको। आगे हम चौथा चैप्टर कराएंगे, राज्य प्रशासन संरचना प्रक्रिया कानून और व्यवस्था का प्रशासन, इसे हम अगले वीडियो में कराने वाले हैं। इसका पेपर कोड है साथियों 470 इस बुक का पेपर कोड है। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एमए पॉलिटिकल साइंस संबंधित और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचाते हैं। चलिए साथियों यहीं तक, धन्यवाद।